बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। रुक करेंगे बिहार की बड़ी खबरों की ओर। बिहार विधानसभा में खड़े होकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर बवाल मच गया। लोग खूब उनकी निंदा कर रहे हैं और मामला इतना भड़का कि सीएम नीतीश कुमार को अपने ही बयान पर माफी तक मांगनी पड़ी। अब इस मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। आखिर क्या था नीतीश का वो बयान जिस पर लगातार सियासत आई है और नीतीश चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। जनसंख्या नियंत्रण पर ऐसा बयान, ये बिहार के सीएम नीतीश कुमार का विधानसभा में प्रवचन है। सदन में महिलाएं भी रही हूँ। क्या देश में इतना खुलापन आ गया है कि विधानसभा में भी ऐसी बातें, वो भी फुहड़ता से भरी एक्टिंग के साथ? क्या ये जायज? वाह नीतीश बाबू वाह। लगता है नीतीश बाबू पर भी गोलियों की बौछार और छमियों की छमकार दिखाने वाले भोजपुरी गानों का असर पड़ गया। अब जरा ये नीतीश बाबू का वो बयान सुनिए जिस पर बवाल खड़ा हो। तभी ना इसका होगा, अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे ना करता है, तो रतवा में सुत्ता है तो सुत्ता है तो सुत्ता है तो उसी में रहता है पनिया भी इसमें भी। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुम लगे तो निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, यही देखिए कह लीजिए, माफी मांगता हूँ। अरे लाइव बिहार इसके लिए, अरे नीचे कीजिए, वापिस करता हूँ इन सब बातों का। अगर इसको हमने यूं ही कुछ बात कहा और उसको ले करके इतनी निंदा हो रही है, तो मैं भाई देखिए, अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ। इसको हम वापस करते हैं और अगर मेरे किसी बात से कोई इसकी निंदा कर रहा है तो भाई हम वापस करके और निंदा हम अपने कर लेते हैं, माफी मांगते हैं। और अगर कोई मेरी निंदा करता रहता है और भी, दरअसल नीतीश कुमार जब ये बातें बिहार विधानसभा में कह रहे थे तब सत्ता पक्ष के अधिकांश विधायक हंस रहे थे जबकि महिला विधायकों को जेब लग गई। सदन में काफी देर नीतीश के इस जड़ेले ज्ञान पर फुहार ठहाकों का शोर भी बरपा। नीतीश जनसंख्या नियंत्रण पर बात करते करते भूल गए कि भाषा के इस बेशर्म रंग में सदन की गरिमा भंग हो रही है। लेकिन नीतीश तो नीतीश है, वो भूल गए कि ये सदन है। 20 सदन में छाती चौड़ी कर संभोग से समाधि तक का ज्ञान देना, लेकिन उगते सूरज के साथ नीतीश कुमार ने जिस जनसंख्या नियंत्रण सिद्धांत को समझाया था उस पर समृद्ध होकर माफी भी मांगनी पड़ी। और देखिए, हमने महिलाओं पर जोर दिया और इतना ज्यादा लड़कियां पढ़ रही हैं, आप क्या महिलाएं पढ़ रही हैं? इतना ज्यादा महिलाओं के हित में काम किया गया और हमने कोई बात कहा है? अगर मेरी किसी बात को लेकर के तकलीफ हुई है तो मैं अपनी बात को वापस करता हूं और मैं अपनी निंदा करता हूं। मैं दुख प्रकट करता हूं कि मेरे किसी एक शब्द के चलते अगर किसी को तकलीफ हुई है तो हम आपने कहे मुख्यमंत्री शर्म करें। सभा में नीतीश कुमार के अजीबोगरीब बयान पर भाजपा ने निशाना साधा।
भाजपा नेता विधायक निक्की हेम्ब्रम ने नीतीश कुमार के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने जो कहा वह मर्यादित तरीके से कहा जा सकता था, लेकिन उन्होंने महिलाओं के प्रति संवेदनहीनता जताई और नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग तक कर डाली। और मैं उनके उस प्रवचन को सुनने का साहस नहीं जुटा पाई और मैं बाहर चली आई। मुझे आंखों में आंसू इसलिए है कि एक महिला होना, आज उन्होंने बता दिया, उन्होंने बेइज्जती कर दी सरेआम। जो विषय पर्दे के पीछे होता है वो सारी दुनिया जानती है। आज का युवा तो यूट्यूब और सारे मोबाइल साथ में, आपके कौन नहीं जानता है सेक्सुअल, किसको पढ़ा रहे हैं आप? इन्होंने पूरे बिहार की महिला कौम, पूरे देश की महिला कौम को इन्होंने बदनाम कर दिया सरेआम सदन में। देखिए, इनका इंटेंशन शुरू से खराब रहता है, ये कभी भी कुछ भी कहीं अरे तरे कुछ भी बोलते रहते हैं। अभी और भी एक प्रकरण है वो सामने आएगा धीरे धीरे आप लोगों के। इनकी लैंग्वेज लिटरेचर जो कहा जाता है, संगत से गुड़ होते संगत से गुड़ जात, तो जिस संगत में पढ़े हुए हैं, इंजीनियर थे, लैंग्वेज लिटरेचर अच्छा बोलते थे, लेकिन अब इनका जो क्या कहे तथा कथित हमारे डिप्टी सीएम है, जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट जिनको प्राप्त नहीं है, तो इनकी भी क्वालिटी वही हो गई है, वही ग्रेड हो गया है, तो मुझसे ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं। बीजेपी के तमाम नेताओं के हमलावर होने के बाद सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सीएम की इस पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने सीएम नीतीश कुमार का बचाव किया और उनके बयान को सेक्स एजुकेशन से जोड़ दिया। अगर कोई गलत मतलब निकालता है गलत बात, एक तरह से जो भी मुख्यमंत्री का बयान आए तो सेक्स एजुकेशन के बारे में, और जब भी सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है तो इसके लोग जो है सामने शर्माते हैं, लोगों को बचना चाहिए। तो स्कूलों में पढ़ाई होती है तेजी जी सामने, साइंस बायोलॉजी ये तो स्कूलों में पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़ते हैं भाई। तो हमको लगता है अगर सेक्स एजुकेशन की अगर बात है, उनका कहने का मतलब आबादी कंट्रोल है क्या करना है, प्रैक्टिकली बात जो भी आपके उन्होंने अपना बात किया, तो इससे लोगों को गलत तरीका में नहीं लेना चाहिए, ऐतराज नहीं लेना, बट डोंट टेक इट एज अ सेक्स एजुकेशन। आप देखने वाली बात होगी कि नीतीश के विवादित बयान के बाद आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव पर कितना असर होगा। आउटपुट टेस्ट जनसंख्या जेडीयू की मोतिहारी में कितनी लोकप्रियता है वो आपको इस खबर से मालूम चल जाएगा। दरअसल मोतिहारी शहर के एक बड़े सभागार में 7 नवंबर को आयोजित एक कार्यक्रम को जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने संबोधित किया, और खबरों के मुताबिक इस कार्यक्रम में बमुश्किल से 500 लोग ही पहुंच पाए, जिनमें से अधिकांश जेडीयू के नेता ही थे। ये तस्वीर तब की है जब खुद उमेश कुशवाहा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष के अलावा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंगलीलाल मंडल भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिला को लेकर विधानसभा में दिए गए बयान पर बिहार में बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष की महिला विधायकों ने आपत्ति भी जताई है। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तो सीएम नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। जो उन्होंने कहा है ना, तो सदन में इस प्रकार के बयान कहीं से उचित नहीं, और अगर तेजस्वी जी को लगता है तो मुख्यमंत्री जी उनके वरीय नेता हैं, उनको अपने घर पर बुलाएं, अपने पिताजी अपने माताजी के सामने इस प्रकार की जितने भी तरह की सेक्स एजुकेशन की बात कर दें तेजस्वी जी, वो लें, वो ग्रहण करें। लेकिन ये जो है ना, ये सदन जो है ये कोई उचित फोरम इस प्रकार के व्यक्तित्व के लिए नहीं है। और मैं तो स्पष्ट कर रहा हूँ ना, ये दर्शाता है कि नीतीश बाबू कहीं से भी अब शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उनकी मानसिक रुग्णता का यह परिचायक है। और एक मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति क्या प्रदेश को की सेवा कर पाए। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमलावर हुए हैं। दरअसल रहुई प्रखंड के भागन बिगा इलाके में विश्वकर्मा योजना के तहत लगाए गए मुस्कान पत्तल उद्योग का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने इस मौके पर विश्वकर्मा योजना के बारे में ग्रामीणों को योजना के बारे में बताया। वही मीडिया को संबोधित करते हुए आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमलावर रहे। नीतीश बाबू है नीतीश बाबू, उनके उनके साथ तो हम बरसों काम किए, सब बिहार के लोग जानते हैं। नीतीश बाबू एक एक मिनट अपना समय सही चीज में लगाते थे, और आज क्या है? इसका मतलब तो स्पष्ट है ना कि शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से
और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा, उस प्रदेश की जनता का क्या होगा? ये तो मैं इसलिए बहुत मुझे खराब लग रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्या कि प्रदेश चला कौन रहा है। जो मुख्यमंत्री आज इस स्थिति में नहीं है कि लोगों को एक तरह से गाइड कर सकें, लोगों को बता सकें, तो कौन काम काज सब देख रहा है? और इसीलिए बार बार बोलता हूँ कि फिर से जो यहाँ पर है कानून का राज नहीं बचा है, इतनी हत्याएं हो रही हैं। यही नीतीश बाबू थे, एक घटना घटती थी उसके अंतिम उस तक जाते थे, स्पीडी ट्रायल होता था, सजा होती थी। उस समय चूंकि कमांड में चीजें थी, आज कुछ है ही नहीं। अब खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। SKMCH में एक और डेंगू मरीज की मौत के बाद प्रशासनिक महकमे में चहलकदमी तेज हो गई है। वहीं इस मौत के बाद कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि अभी तक के जारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 462 हो गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार डेंगू प्रभावित क्षेत्र में एंटी लार्वा फॉगिंग दवाओं का छिड़काव कर रही है। और बता दें कि अब तक जिले में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 लोग भी शामिल हैं। डेंगू मरीजों की संख्या 462 हो गई है, प्लस 2 चिकनगुनिया के मरीज प्रतिवेदित हुआ है। डेथ का जहाँ तक सवाल है, आज जिसका बोल रहा है वो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट का एक डेथ हुआ है, रून्नीसैदपुर साइड से उसकी रिपोर्ट आई। फुल रिपोर्ट में कितने डेथ? फुल रिपोर्ट मुजफ्फरपुर जिले में हम लोगों को 4 डेथ हुए हैं। दीपावली और छठ महापर्व के मद्देनजर पुलिस ने हाथीदह पंचमहल और मरांची थाना क्षेत्र के अंतर्गत सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस जांच में सभी वाहनों के साथ यात्री और उनके सामानों की भी जांच की गई। वही हाथीदह थाना अध्यक्ष ने बताया कि वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर आगामी त्यौहार को ध्यान में रखते हुए सामाजिक और असामाजिक के साथ ही शराब मामले में निगरानी रखने के उद्देश्य से इस अभियान को चलाया जा रहा है, जो आगे भी जारी रहेगा। अगली खबर पटना से है, जहां फतुहा थाना क्षेत्र के गोरी पुंदाह गांव में 2 गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में गोली लगने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आनन फानन में घायल दोनों युवक को फतुहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों युवक को पटना PMCH के लिए रेफर कर दिया है। वहीं एक युवक को गोली सीने के पास लगी थी तो दूसरे युवक को गर्दन के पास गोली लगी थी, जबकि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जहां घटना के कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों युवक अपने घर के पास से गांव के दूसरे टोले पर गए हुए थे, इसी दरमियान बदमाशों ने उन पर गोली चला दी। जख्मी युवक गोरी पुंदाह गांव के रहने वाला रोशन कुमार है, जिसके सीने पर गोली लगी है, जबकि राकेश कुमार के गर्दन के पास गोली लगी है। आगामी त्योहारों के मद्देनजर शराब की खपत को रोकने के लिए मुजफ्फरपुर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, जिसके लिए पुलिस प्रशासन लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। वहीं मुजफ्फरपुर में पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने फाकुली चेक पोस्ट पर घेराबंदी कर एक कार से लाखों रुपए की अवैध शराब बरामद की है। दरअसल जिला उत्पाद विभाग को सूचना मिली थी कि तस्कर शराब की भारी खेप को कार में लेकर मुजफ्फरपुर ला रहे थे, जिनको पकड़ने के लिए जिला उत्पाद विभाग पहले से तैयार था। वही जिला उत्पाद विभाग की इस कार्रवाई में कार छोड़कर तस्कर फरार हो गए, लेकिन कार से लाखों रुपए की शराब की खेप बरामद हुई है। वही जब्त वाहन के मालिक की तलाश शुरू कर दी गई है। ऑफिसर द्वारा रात्रि के समय चेक पोस्ट के पास ही उसे सूचना मिली थी कि एक कार जो शराब से लोड है मुजफ्फरपुर जिले में प्रवेश करने की फिराक में है, तो नाकेबंदी की गई। और जब ये कार इस कार का सुराग मिला कि ये कहाँ पे है, और वहाँ जाकर के टीम ने इस कार को मतलब पकड़ा, और जब गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी के डिग्गी में और सीट में कुछ शराब था। इस गाड़ी में जो व्यक्ति सवार थे वो भागने में सफल रहे, रात का वक्त था उसे मौका मिल गया भागने का, परंतु गाड़ी मालिक के ऊपर फिलहाल अभियोग दर्ज किया गया है। इसमें जो अन्य लोग जो बैठे हुए हैं उसके भी उसका भी पता लगाया जा रहा है और अनुसंधान में उस पर भी कार्रवाई होगी। कुल इस मामले में 26 कार्टन शराब बरामद की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर जो बयान दिया, उस पर बिहार में बवाल मचा हुआ है। महिला आयोग से लेकर सूबे के आम लोग तक सभी उनकी काफी निंदा कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्राइम टीवी ने भी आम जनता से सीएम के इस बयान पर उनकी राय जानी है।
बिहार में माननीय नीतीश कुमार ने बयान जो सदन में दिया है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, वो जो है कि चर्चा का विषय बना हुआ है और चौक चौराहे पे इसकी चर्चा हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। नीतीश जी का बयान आया है मुख्यमंत्री साहब का सदन में, सुने हैं बयान, क्या क्या कैसा आप देखते हैं? देखिए, इस्लाम में सबसे पहले बच्चे को मदरसे में भेजा जाता है, इसलिए भेजा जाता है कि अदब तहजीब सीखने के लिए। वो जो नीतीश कुमार जिस तरीके से सदन में बोले हैं, क्या उसको आप कैसे लेते हैं? वो निंदीय है, जो बात है वो निंदीय है, तहजीब के खिलाफ है और बेपर्दगी वो बात है, क्योंकि सबकी बेटी है, सबको बहू है, सबका सास है, ससुर है, सब है, और ऐसे जगह पर ये बात नहीं होना चाहिए जो तहजीब का खिलाफ। इसलिए पर्दा किसको कहा जाता है? पर्दा उसी को कहा जाता है जो हया से बचाए, बेपर्दगी जो है। चर्चा ये भी हो रहा है कि नीतीश कुमार जी का एज बढ़ गया है तो इस तरह का बयान देते रहते हैं। सब राजनीति का मंजर है, सब लोग एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं, बात अलग है, 32 दांत में एक जुबान है। चलिए यहाँ पे और कुछ लोग हैं, नीतीश जी बयान दिए हैं, सुने हैं सदन में? नहीं सुने हैं। आप युवा हैं, युवा जो है कि बिहार में माना जाता है युवाओं का, और आप सुने हैं? देखिए, बहुत बहुत बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि इनको पता बोले हैं, बहुत गलत बात बोले हैं। अच्छा देखिए, आप ये बोल रहे हैं, डरे हुए नहीं ना है? अरे उनसे कुछ डरना है? अच्छा, तो अभी आपने कहा कि नहीं सुने हैं? नहीं, जो भी बोले हैं गलत बोला, गलत का रिएक्शन बहुत गलत जाएगा। अच्छा अच्छा, देश का सीएम है व्यक्ति, उनको इस तरीके का नहीं बोला, क्या बोल रहे? फिर बाद में तो माफी भी मांगे हैं। माफी मांगने से क्या हुआ? आपको एक थप्पड़ मार दे हम, फिर माफी मांगने से माफी मिल जाएगा? चलिए इस तरह का और कुछ लोग, नीतीश कुमार जो है कि सदन में बोले हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, सुने हैं क्या क्या कैसे देखते हैं आप? किस पोस्ट पे हैं अभी? पोस्ट की गरिमा को करना चाहिए था और सोचा कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, ठीक अपनी बातों को रखें, बोले नियंत्रण होना चाहिए, और जो जो इंसाफ को वो बोले हैं बहुत गलत बोले हैं और बोलना नहीं चाहिए था। हर घर में जो भी हर घर में माँ है, बहन है, बेटी है, सबके पोस्ट पे रह के गरिमा को अपना देखना चाहिए, किस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, क्या हम बोल रहे हैं, और बाद में माफी मांगे रखा नहीं रहता है। शुरू में आपको बोल दिए कि बात पीएम मटेरियल कहे जाते हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है, वो तो बोलने दीजिए, तो होने वाला कुछ है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, तो आपकी स्कूल नहीं है कभी उधर जाते हैं बच जाते हैं, ये जगह तो होना चाहिए होता है ना। कहीं कहीं जो है कि ऐसा लोग भी बयान दे रहे हैं कि उम्र हो गई है, उम्र तो हो गई है, तो उम्र के साथ भी तो उसका जीना, उम्र तो हो गई है तो बात उसका अच्छे से है, उसका भी तो कुछ लॉजिक है इसमें, ऐसा तो थोड़े ना है। और जो जिस हिसाब से वो बोले हैं उनको नहीं बोलना चाहिए था, जिस पोस्ट में वह दिया एज ए मुख्यमंत्री है वो है, उनको तो पूरे बिहार को लेकर चलना है, पूरे बिहार की बहन है, बेटी है, समान है, अब ऐसा वो बात बोले खून को शर्मिंदा, बाद में माफ़ी मांग रहे सर, इतना हंगामा होने पर, और बाकी तो और पार्टी लोग तो बोलेगा, उन लोगों का काम है बोलना। नीतीश कुमार जी का जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार के हैं सदन में, उनकी बयान सुने हैं? कैसे लेते हैं? जनसंख्या भी अच्छा मंत्री पद पर गरिमा को गिराए, बाद में लोगों का ऐसा गुस्सा आया तो बाद में फट जाइए, उसके बाद वो माफी मांगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप वो पीएम पद के लायक नहीं। माननीय एक बिहार का सीएम है और सीएम पे बहुत सारे लोग जो होते हैं नहीं दे पाते हैं बयान, क्योंकि बिहार का मुख्यमंत्री है, बोलेंगे तो खिलाफ हो जाएंगे, तो इस तरह का जो अपनी बात को भी नहीं रखते हैं, ये बिहार के लिए है। कैमरामैन अमरेश के साथ मंजीत सिंह, प्राइम टीवी रोहतास। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप
घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति